हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज 29 मार्च 2020 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। यह हमारा करंट अफेयर्स MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, साथ ही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। साथियों, इसके अलावा यदि आप राजस्थान जी के और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। जयपुर के किस सरकारी अस्पताल में COVID-19 कोरोना वायरस 19 संक्रमित रोगियों के को सेवा प्रदान करने के लिए ह्यूमेनाइड रोबोट का परीक्षण किया जा रहा है? ऑप्शन ए जयपुरिया अस्पताल में, ऑप्शन बी सवाई मानसिंह अस्पताल में, ऑप्शन सी जेके लॉन अस्पताल में, ऑप्शन डी कावट अस्पताल में। दोस्तों, COVID-19 के संक्रमित जो रोगी हैं उनको सेवा प्रदान करने के लिए रोबोट का परीक्षण किया जा रहा है सवाई मानसिंह अस्पताल SMS हॉस्पिटल जयपुर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सवाई मानसिंह अस्पताल। साथियों, ये जो परीक्षण है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को प्रकोप बन चुके कोरोना वायरस से बचाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। इस रोबोट को एक ट्रेप के साथ डिजाइन किया गया है जिसका इस्तेमाल निर्धारित किए गए मरीजों के पास दवा, भोजन और अन्य वस्तुओं को ले जाने के लिए किया जा सकता है। ह्यूमेनाइड रोबोट जो है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का इस्तेमाल करके बिना निर्देशों के अपने कार्यों को पूरा करता है। यह जो रोबोट है ये बैटरी से संचालित होगा और जिसकी लाइफ यानी कि जीवन काल 4 से 5 साल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने COVID-19 लॉकडाउन के दौरान छात्रों को रचनात्मक परियोजनाओं में व्यस्त रहने के लिए प्रोजेक्ट इसाक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए IIT जोधपुर ने, ऑप्शन बी IIT दिल्ली ने, ऑप्शन सी IIT गांधीनगर ने, ऑप्शन डी IIT रुड़की ने। दोस्तों, इस समय कोरोना वायरस महामारी चल रही है और 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन है, इसलिए छात्रों को रचनात्मक परियोजनाओं में व्यस्त रखने के लिए IIT गांधीनगर ने प्रोजेक्ट इसाक लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी IIT गांधीनगर। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य घरों में बैठे छात्रों के कौशल को बढ़ाना है। जो ये परियोजना थी, इस परियोजना के अंतर्गत 4 अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है ताकि छात्रों को लेखन, पेंटिंग, कोडिंग, संगीत, रचनात्मक अभिव्यक्ति आदि के बारे में नए कौशल विकसित करने की जागरूकता बढ़ सके। इस परियोजना की जो प्रेरणा है वो सर आइजैक न्यूटन से ली गई है जिन्होंने 1665 में लंदन में फैले प्लेग के कारण ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज द्वारा घर भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3। भारत सरकार ने मैं नरेगा महात्मा गांधी नरेगा दिहाड़ी श्रमिकों की मजदूरी कितनी कर दी है? ऑप्शन ए 152 रुपये, ऑप्शन बी 162 रुपये, ऑप्शन सी 192 रुपये और ऑप्शन डी 202 रुपये। दोस्तों, मनरेगा जो थी उसकी दिहाड़ी श्रमिकों की जो मजदूरी थी वो 182 रुपये थी, अब बढ़ाकर सरकार ने उसे 202 रुपये कर दिया है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी 202 रुपये। इस जो योजना है मनरेगा योजना, इससे लगभग 5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB में न्यूनतम नियामक पूंजी CRAR उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बैंकों को 1340 करोड़ रुपए की मदद दिए जाने को मंजूरी दी है। वर्तमान में न्यूनतम कितनी CRAR है, यानी कि कैपिटल टू रिस्क असेस्ड रेशियो कितना है? ऑप्शन ए 9%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 11%, ऑप्शन डी 12%। साथियों, रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियामक मानकों के अनुरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कैपिटल टू रिस्क असेस्ड रेशियो CRAR को 9% पर बनाए रखने के लिए यह पुनर्पूंजीकरण किया जा रहा है।
पुनर्पूंजीकरण राशि उन बैंकों को आवंटित की जाएगी, यानी कि 1340 करोड़ रुपए उन बैंकों को आवंटित किया जाएगा जिनकी न्यूनतम CRAR 9% से कम है, यानी कि वो 9% CRAR बनाए रखने में असमर्थ हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, G20 सम्मेलन में भारत, चीन, अमेरिका सहित कई देशों को कोरोना से लड़ने के लिए कितने अरब डॉलर का राहत पैकेज दिया गया है? ऑप्शन ए 2000 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 5000 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 8000 अरब डॉलर, ऑप्शन डी 12000 अरब डॉलर। दोस्तों G20 सम्मेलन में सभी नेताओं ने भारत, चीन, अमेरिका सहित कई देशों को कोरोना से लड़ने के लिए 5000 अरब डॉलर का राहत पैकेज दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 5000 अरब डॉलर। साथियों कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सऊदी अरब के सुल्तान किंग सलमान की अध्यक्षता में G20 देशों की आपातकालीन बैठक आयोजित की गई थी, क्योंकि इस समय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को महामारी का रूप दे दिया है, महामारी घोषित कर दिया है और इसके लिए भारत में 14 अप्रैल तक का लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, CBSE बोर्ड ने स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़ाकर कितनी कर दी है? ऑप्शन ए 30 मार्च, ऑप्शन बी 30 अप्रैल, ऑप्शन सी 30 मई, ऑप्शन डी 30 जून। दोस्तों कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने हाल ही में स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराने की तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 30 अप्रैल, और इसके लिए स्कूल कोई लेट फीस नहीं लेगी, यानी कि स्कूलों को कोई भी लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, भारत के किस शहर के WIHG के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि अन्य हिमालयी क्षेत्रों की तुलना में सिक्किम के ग्लेशियर बड़े पैमाने पर पिघल रहे हैं? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी खड़गपुर, ऑप्शन डी पुणे। साथियों भारत के देहरादून के WIHG यानी कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि अन्य हिमालयी क्षेत्रों की तुलना में सिक्किम के ग्लेशियर बड़े पैमाने पर पिघल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देहरादून। इन जो ग्लेशियर है में हो रहे बदलाव का प्रमुख कारण गर्मियों के तापमान में वृद्धि को बताया गया है, यानी कि गर्मियों का जब तापमान बढ़ रहा है उसके कारण ग्लेशियर ज्यादा पिघल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, COVID-19 पर स्टार्टअप के जरिए तकनीकी मैपिंग के लिए किसने टास्क फोर्स का गठन किया है? ऑप्शन ए BCCI ने, ऑप्शन बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने, ऑप्शन सी केंद्र सरकार ने, ऑप्शन डी नीति आयोग ने। साथियों टास्क फोर्स का गठन किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST ने, किसके लिए? COVID-19 पर स्टार्टअप के जरिए तकनीकी मैपिंग के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। इसके साथ ही नए और विकसित किए सॉल्यूशंस अधिक प्रासंगिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी है? ऑप्शन ए गौतम गंभीर ने, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर ने, ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग ने, ऑप्शन डी कपिल देव ने। दोस्तों मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने, जो कि भारत के पूर्व भारतीय बल्लेबाज हैं, उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी है। सचिन तेंदुलकर कई सामाजिक संस्थानों और चैरिटियों से भी जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर से पहले इरफान पठान और यूसुफ पठान ने बड़ौदा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को 4000 फेस मास्क दान किए हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10, कोरोना वायरस से निपटने हेतु भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन कोरोना, ऑप्शन बी ऑपरेशन स्टॉप, ऑपरेशन सी ऑपरेशन नमस्ते, ऑप्शन डी ऑपरेशन COVID-19। दोस्तों इसका राइट आंसर है भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन शुरू किया है वो ऑपरेशन नमस्ते है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद
वणे ने कहा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सरकार और सिविल प्रशासन की मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने इसके अलावा भी कहा है कि लाइफलाइन कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात सैनिकों से अपने करीबी और प्रियोजनों के बारे में चिंता न करने और छुट्टियों को रद्द करने को कहा है, तथा उन्होंने कहा कि इसी तरह के हालात ऑपरेशन पराक्रम के दौरान भी देखे गए थे, लेकिन तब भी हमें ये सफलता मिली थी। तो साथियों, ये था हमारा करंट अफेयर्स जीके। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक बार हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो भी कमेंट है अच्छा बुरा जो भी कमेंट है वो कमेंट करें वीडियो पर, और इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हो। PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।